नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फार्म के यूट्यूब चैनल में और मैं हूँ आपका किसान दोस्त मनीराज। तो चलिए शुरू करते हैं आज एक नए वीडियो के साथ जो कि होने वाला है ड्रिप इरिगेशन इन राइस फार्मिंग। मतलब कि ड्रिप इरिगेशन हम लोग किस तरह यूज कर सकते हैं राइस फार्मिंग में। और अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट जरूर से जरूर करिएगा। कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा कि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। तो आज चलिए हम लोग बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन के ऊपर। तो ड्रिप इरिगेशन के ऊपर हम थोड़ा सा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि किस तरह होता है। तो देखिए ड्रिप इरिगेशन है मतलब ड्रिप से आप लोग समझ में आ रहा है कि ड्रॉप ड्रॉप बूंद बूंद पानी गिरता है उसमें खेत के ऊपर। जो फसल हम लोग लगाते हैं उसके जड़ पर सीधा पानी गिरता है। तो उस पानी गिरने से होता क्या है, जो भी हम लोग जैसे चावल का खेती करते हैं तो उसमें हम लोग किस तरह खेती करते हैं, पहले उसमें पानी पूरा भर देते हैं खेत में और उसके बाद उसको कुछ दिन तक छोड़ देते हैं, जिसके वजह से खेत में बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है। मतलब कि पानी का बहुत ज़्यादा खर्च होता है जो कि हम लोग को नहीं होने देना है, क्योंकि पानी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। अर्थ का जो लेवल है उसका लेवल से पानी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो इतना ज़्यादा जो पानी हम लोग इस चीज़ में वेस्ट कर रहे हैं वो पानी कोई और चीज़ में लगेगा, जैसे फिश फार्मिंग में लग गया या कोई दूसरा खेती करने में लग गया, तो वो हम लोग के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो इस चीज़ को वेस्ट होने से बचाने के लिए ये मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया है, ड्रिप इरीगेशन मेथड को। तो ड्रिप इरिगेशन मेथड में होता क्या है, जैसे कि हम लोग प्लांट किए राइस, ये हम लोग का खेत है, इसमें हम लोग राइस प्लांट किए हैं, यहाँ ये सब राइस निकला हुआ है। राइस निकला हुआ। अरे सोंटू जी फोटो भेजिए ना, आप क्या करते हैं फोटो नहीं भेजते सोंटू जी, फिर आपको हम किस लिए रखे, जल्दी फोटो भेजिए, खाली बैठ के सोते रहते हैं आप लोग। क्या बताइए सर, सोंटू भी बात नहीं सुनता है कोई, खाली सोते रहता है। तो ये हम लोग का खेत में हम लोग ग्रास लगाए हैं, यहाँ पे जो राइस लगाए हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते थे पहले कि पानी भर देते थे। जल्दी फोटो भेजिए सोंटू जी, गर्लफ्रेंड का ख्याल में खोए हैं क्या, नया गर्लफ्रेंड बना दिया लग रहा है। तो इसमें हम लोग पानी भर देते थे। तो अब क्या होता था इसमें, चलिए हम लोग वीडियो की तरफ आते हैं, थोड़ा सा भटक गए थे। तो इसमें क्या होता है कि पानी अब हम लोग भर दिए इसमें, तो इसमें जो होता है वेस्ट, फिर पानी हम लोग को निकालना पड़ता है या फिर पानी गंदा हो जाता है। तो इसको हटाने के लिए, इसमें वाटर सेव करने के लिए ड्रिप इरीगेशन यूज किया गया था, यूज में लाया गया था। बहुत जन को पता भी होगा कि ड्रिप इरीगेशन किस तरह यूज करते हैं और किस तरह यूज होता है, और अगर नहीं पता है तो देखिए हम बता देते हैं ड्रिप इरिगेशन किस तरह यूज होता है। फोटो भेजिए छोटू जी, फोटो भेजिए जल्दी। ये देखिए ड्रिप इरिगेशन में, ये हम लोग का खेत हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, यहां से ये हम लोग समझिए इसमें हम लोग राइस प्लांट कर दिए इस तरह एक सीधा में, ये हम लोग का राइस है। ये क्या है, हम लोग का राइस है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, हम लोग यहाँ से पाइप लगाएंगे, ये हम लोग का पाइप है और ये पाइप सीधा जड़ के सामने होगा। राइस का जो जड़ होता है, रूट्स जो होता है ना राइस का, उसके सामने। फोटो भेजिए सोंटू जी, यहाँ पर देखिए रूट्स आ गया। इस सोंटू जी भी ना आजकल लगता है कि ध्यान नहीं दे रहा है वीडियो पे, आप लोग की तरह ध्यान नहीं दे रहा, आप लोग वीडियो देखते ही नहीं है मेरा। हम इतना अच्छा अच्छा वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए, इतना मेहनत करके कंटेंट लाते हैं, ना आप लोग लाइक करते हो, ना शेयर करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो, कुछ नहीं करते हो, सारा मेहनत मेरा वेस्ट हो जाता है। तो जल्दी जल्दी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब देखिए यहाँ पर ड्रिप इरीगेशन होता है, तो अब यहाँ यहाँ पे छोटा छोटा छेद बना हुआ रहता है, ये सब छेद बना हुआ है। अब इसमें से बूंद बूंद पानी गिरता रहता है, बूंद बूंद पानी हमेशा गिरता रहता है। जैसे कि राइस चावल के खेती में हम लोग क्या होता है, एक बार पानी भर के छोड़ देता है, इसमें अगर हम लोग नल खोल दिए तो ये बूंद बूंद पानी हमेशा चावल के पास गिरता रहेगा। अब इससे क्या होगा कि चावल का जो पौधा है उसको पानी का कमी भी नहीं होगा और खेती भी अच्छे तरीके से हो जाएगा, जो कि इस मेथड में हम लोग को होता तो था, खेती ठीक होता था लेकिन पानी का वेस्टेज बहुत ज्यादा होता था। तो हम लोग को क्या करना है कि पानी बचाना है, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंसान को जीने के लिए, बाकी जो भी लिविंग थिंग है पूरे अर्थ में
उसको जीने के लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सेव वाटर हम लोगों को करना है, क्या करना है, सेव वाटर। संतु जी समझ आया क्या करना है हम लोगों को? सेव वाटर, 3-3 घंटा तक नहाया मत करिए आप वाटर में, पानी वेस्ट बहुत करते हैं आप। ठीक है, तो आप देखिए ये हम लोग का हो गया ड्रिप इरिगेशन मेथड। ड्रिप इरिगेशन मेथड इसी को बोलते हैं। अगर इस तरीके से आप लोग खेत में प्रैक्टिस करिएगा अपना ड्रिप इरिगेशन, मानते हैं कि थोड़ा सा खर्चा लगेगा इसमें, क्योंकि ये पाइप और वाटर पंप लगाना थोड़ा महंगा पड़ सकता है, और ज़्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगा। आप लोग एक बार लगा लोगे तो वो हमेशा चलते जाएगा, कभी फिर टूटेगा, अगर कहीं रिपेयर भी करना हो तो इजीली रिपेयर हो जाता है, उसमें 10-20 रुपये का खर्चा आता है। तो इस मेथड से भी आप लोग फार्मिंग अगर करिएगा तो कम से कम 30% इससे ज़्यादा प्रोडक्शन आपको मिलेगा। कितना परसेंट? 30% इससे ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगा आप लोगों। चलिए उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आप लोगों को जो भी नया वीडियो हम बनाए उसका नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आ जाए, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भवानी।